हाय फ्रेंड्स, झारखंड एसएससी के द्वारा जो है आईआरबी का एग्ज़ाम लिया गया था, उसका मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ। आप इस प्रकार है, अभी मिनिमम जो है दोनों पत्रों का मिला के आपको इतना प्रतिशत लगा जो है, अगर आप जनरल तो आपको जो है 40 पे, वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो 32% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी BC1 कैटेगरी की बात करें तो BC1 में जो है 34% लाना अनिवार्य है। 34% अगर आप अंक लाते हैं तो आप क्वालिफाइड के अंतर्गत आएंगे। वहीं BC2 की बात करें तो BC2 में जो है 36.5% अंक लाना अनिवार्य है पिछड़ा वर्ग के लिए। वहीं बात करें झारखंड राज्य की स्थानीय महिलाओं की, तो झारखंड राज्य की महिलाओं को जो है 32% अंक लाना अनिवार्य है। 32% अंक लाने के बाद आप क्वालिफाइड श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अभी जो है एक कट ऑफ जो हो सकता है जनरल की बात, तो 130 से 40 क्वेश्चन का अगर सही जवाब दिए होंगे आप, तो आप जो है क्वालिफाइड हो सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है 120 से लेकर के 128 प्रश्नों का जो है अगर आपने सही जवाब दिया है तो आप जो है मेरिट में आ सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो सकती है। वहीं SC की बात करें तो SC में जो है 102 प्रश्नों से यदि ज़्यादा का अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपको जो है मेरिट आ सकती है, बन सकती है, सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा चांस है। वहीं ST की बात करें तो ST में जो है 94 प्रश्नों का अगर आपने सही जवाब है तो आपको जो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको जो है